इंट्रोडक्शन टू गस्ट पेपर मैं आपको सबसे पहले दे दूँ जो जो क्वेश्चन मैं रेड में शो करूँगा वो वो क्वेश्चन हैं जो कि मैंने अपना पेपर सेट करके बोर्ड को जमा कराया है उसमें मैंने उसमें लॉन्ग भी होंगे और शॉर्ट भी होंगे एल लिखा होगा तो इसका मतलब है लॉन्ग में दिया है एस लिखा होगा तो इसका मतलब है शॉर्ट में दिया है ब्लैक कलर के अंदर जो क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं वो वे हैं जो बाकी कॉलेज फैलो कॉलेज़ के जो टीचर्स uh, हैं उन्होंने पेपर सबमिट किए हैं और एल का मतलब लॉन्ग एस का मतलब शॉर्ट कुछ सिलेक्टेड असाइनमेंट्स कुछ सिलेक्टेड नमेरिकल्स और कुछ नहीं बल्कि तमाम के तमाम एम मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ मैंने एनिमेटेड जो भी लिंक्स हैं वो नीचे दे दिए हैं याद करें इनको प्रैक्टिस आपने किए बगैर आगे नहीं जाना अगर इन नमेरिकल असाइनमेंट्स और एम को आपको प्रैक्टिस करे बगैर आगे गए क्योंकि मैंने तो एनिमेट किए हैं आपको लगता है ऐसे है कि बिल्कुल ही हलवा हो गया लेकिन जब खुद करने बैठते हैं तो गड़बड़ कर देते हैं कुछ डेरीवेशन के लिंक्स मैंने नीचे दिए हैं जो कि मुझे यकीन है कि एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगी और याद रखें ये कोई लीक पेपर नहीं है कोई भी आपको 100 परसेंट लीक पेपर नहीं दे सकता बोर्ड का क्योंकि बोर्ड जो है बहुत सारे टीचर्स की तरफ से सबमिट हुए पेपर्स में से सेलेक्ट करते हैं क्वेश्चंस लेकिन इट विल फॉर्म 80 परसेंट और मोर ऑफ योर पेपर इन शुरू करते हैं चैप्टर वन मयमेंट से याद है इसमें जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं वो है डिग्री टू रेडियंस एंड वाइस वर्सा ये आपके स्मॉल क्वेश्चन में आएगा स्टिल रेडियन के डेफिनेशन बिलसूद आपको आनी चाहिए ये भी स्मॉल में आएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड अनसर्टेनिटीज़ प्रैक्टिस कर लेंगे ये स्मॉल में आएंगे डायमेंशनज एंड फिजिकल क्वान्टीज़ीजीज़ ये स्मॉल में आएंगे ये चैप्टर ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन वाला नहीं है इसके जो असाइनमेंट नंबर वन पॉइंट फोर वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट सिक्स वन पॉइंट सेवन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और नमेरिकल नंबर थ्री फोर सिक्स और सेवन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एम सी क्यूज़ तो आपने सारे ही करने हैं चैप्टर नंबर टू में आए तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स डायग्रामेटिकली भी और मैथमेटिकली भी ये लॉन्ग क्वेश्चन में ना सिर्फ मैंने बल्कि बहुत सारे टीचर्स ने दिए और इसका उलट होता है रेजोलूशन ऑफ वेक्टर्स वो भी डायग्रामेटिकली और मैथमेटिकली ये भी लॉन्ग में आ सकते हैं स्केलर एंड वैक्टर प्रोडक्ट्स ये स्कॉल स्मॉल में लाजमन आएगा इंक्लूडिंग इसकी डेरिवेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये स्मॉल में आ जाता है टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ फोर्स लॉन्ग और शॉर्ट ये दोनों में आ सकते हैं इसकी असाइनमेंट नंबर 2.2, 2.4 और 2.5 आप लोग कर लें तार और नोमरिकल नंबर थ्री फोर सिक्स सेवन नाइन जबकि एम तमाम के तमाम करें चैप्टर नंबर थ्री फोर्स एंड मोशन का है न्यूटनस लॉ ऑफ मोशन चूँकि मैट्रिक में ही बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर कर लिए है चुके हैं तो इलाजा यहाँ पर सिर्फ स्मॉल के अंदर आता है न्यूटन सेकेंड लॉ एंड लीनियर मोमेंटम इनका कनेक्शन आपस में बहुत इंपॉर्टेंट है ये लॉन्ग में आता है इम्पल्स एंड चेंज ऑफ मोमेंटम ये चूँकि फर्स्ट ईयर में पहली दफ़ा पढ़ा जा रहा है इसलिए इसको स्मॉल में देते होते हैं क्विजन इलास्टिक कोलीजन्स कैनेटिक इनर्जी यह लॉन्ग में आता है और इसकी डेरीवेशन भी आती होती है प्रोजेक्टाइल मोशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एज वेल एज ऑफ दिस बुक इसकी डिवेशन मैंने ऐसे कराई है कि आपको जिंदगी भर नहीं बोलेंगी नीचे लिंक मौजूद है ताकि आपको रट्टा लग जाए इनके फार्मूला का इसके नोमेरिकल भी लाजमी आते हैं असाइनमेंट नंबर थ्री पॉइंट वन थ्री पॉइंट फोर थ्री पॉइंट फाइव और थ्री पॉइंट सिक्स करें नोमेरिकल थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये लाजमी करें और एम सी क्यूज़ तो सारी करने हैं चैप्टर नंबर फोर पर आए जो कि है वर्क एंड एनर्जी एनअर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इसके अंदर एबसोलूट पोटेंशियल एनर्जी की डेरेवेशन लाजमी आएगी और लॉन्ग में आएगी इसकेप वसटी स्मॉल में आता होता है जो कि आपको पता ही ये विलॉसिटी कितनी है एलेवन पॉइंट टू किलोमीटर पर सेकेंड वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड क्लोज पाथ ये लॉन्ग में अक्सर लोग दे देते हैं अगर ये ना दें तो क्वेश्चन नंबर जो वन जो मैंने ऊपर लिखा है वो तो लाजमन आता ही जाता है एफिशेंसी स्मॉल में आती है पावर के क्वेश्चन स्मॉल में आते हैं और थियोरेटिकल इसी टॉपिक में से आता है असाइनमेंट नंबर 4.1, 4.2, 4.3 टू इसमें तीन ही असाइनमेंट्स हैं तीनों की तीनों आपने करनी है जबकि अनुमेरिकल टू थ्री फाइव सिक्स सेवन एट टेन एलेवन क्योंकि सारे ही डिफरेंट हैं बहुत इंपॉर्टेंट है एम सी क्यू सारे करने हैं चैप्टर फाइव रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट बट मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर इसके अंदर फार्मूलाज काफ़ी सारे हैं लेकिन सारों का जो है लीनियर मोशन से कनेक्शन है वो मैंने आप लोगों को अपनी डेरिवेशन में दिखाए हुए हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वान्टिटीज इसमें स्मॉल क्वेश्चन आ जाते हैं बैंकिंग ऑन रोड बहुत सारे टीचर्स ने लिखा हुआ है कि ये देना चाहिए रोलिंग ऑफ डिस्क एंड हुप डाउन द इंक्लाइन प्लेज ये लाजमी आएगा स्मॉल में इसके डेरिवेशन भी मैंने नीचे लिखी हुई है इसीलिए ये मैंने एस ग्रीन में कर दिया रियल एंड अपेयर एंड वेट कॉन्सेप्ट ऑफ वेटलेसनेस ये तकरीबन हर साल आता है इस साल भी लॉन्ग में आने के तकरीबन नाइन्टी नाइन्टी फाइव परसेंट चांसेज हैं फ्री फॉल इन स्पेस शेप ये भी स्मॉल में आएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर द रूट स्मॉल जी इनटू कैपिटल आर और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स एंड सेटेलाइट्स ये स्मॉल के अंदर क्वेश्चन आ जाता होता है इसकी असाइनमेंट्स सारी की सारी जो सेवन है वो करनी है और जो न्यूमेरिकल्स हैं वन टू तो ट्वेल्व सारे के सारे करने हैं बहुत डिफरेंट हैं बड़ी वैरायटी के साथ आए हुए हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसके एम भी आपने सारे करने हैं मैंने एनिमेट करके दिखाए हुए हैं आप वहाँ से देखेंगे आपको सहूलत होगी चैप्टर सिक्स है फ्लोएड डायनामिक्स का बर्नॉली इक्वेशन की डायरेवेशन लाजमी आएगी और इसकी एप्लीकेशन में से भी कोई ना कोई लादमी आएगा और मैंने जो गैस लिखा हुआ है वो टेरिस हेलिस थ्यूरम का है जिसको स्पीड ऑफ एफ्लक्स जैसे मैय करते हैं और ये दोनों मैंने नीचे ड्राइव करने के लिए आपको लिंक दे रखा है स्ट्रोक ऑफ लॉन्ग में आएगा बहुत सारे टीचर्स ने ये रिकमेंड किया हुआ है ड्रैक फोर्स एंड टर्मिनल फलॉसटी की डेरिवेशन आ सकती है ये स्मॉल के अंदर आएगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आएगी और इससे मुतलका नुमेकल्स बहुत सारे आ सकते हैं जो असाइनमेंट्स आप कर लें तो इनशाला आपके पोर्शन कवर हो जाएगा सिक्स पॉइंट वन सिक्स पॉइंट टू सिक्स पॉइंट फोर सिक्स पॉइंट फाइव

असाइनमेंट नंबर सेवन पॉइंट थ्री सेवन पॉइंट फोर कर लें नोमेरिकल वन टू थ्री फोर फाइव सेवन नाइन टेन और याद रखें डैम्प्ड ऑफिलेशन के मतलब आपको आना चाहिए वो स्मॉल में तकरीबन हर साल आ जाता है मैंने इस साल ही दिया लेकिन कुछ बाकी लोगों ने दिया है और इसकी एग्ज़ाम्पल गाड़ी के शॉक एब्जारवर्स मशहूर फेमस एग्ज़ाम्पल है चैप्टर नंबर एट वेव्स है और इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स लॉन्ग में लाजमी आता है बीट्स खुद भी आता है इसके नुमेरिकल भी आते हैं क्लोज एंड और ओपन ऑर्गन पाइप्स बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं इसलिए कभी कभार लोग लॉन्ग में दे देते हैं लेकिन जब एग्जामिनर अच्छा हो वो स्मॉल दे देता तो होता है डॉपलर इफेक्ट खुद भी आता है इसकी इक्वेशंस भी आती हैं और इसके नुमेरिकल्स भी आते हैं स्पीड ऑफ साउंड बाई न्यूटन एंड ले प्लास करेक्शन जो लोग बुक से करते हैं उनको बड़ा मुश्किल महसूस होता है हालांकि है बहुत आसान मैंने इसकी डायरिवेशन एनिमेशन की फॉर्म में बनाई है नीचे लिंक भी दे दिया और यह लॉन्ग में आ जाएगा इस साल मैंने दिया नहीं है लेकिन बाकी इतने सारे टीचर्स ने दिए कि ये लाजमन आ जाएगा पीरियडिक वेव्स प्रोग्रेसिव वेव और स्टैंडिंग वेव्स का डिफरेंस आपको आना चाहिए स्मॉल क्वेश्चन में आएगा असाइनमेंट नंबर एट पॉइंट वन थ्री फाइव सिक्स और नोमरिकल फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एलेवन ट्वेल्व ये आप कर लें क्योंकि ये वेराइटी के साथ हैं एम सी क्यू सारे करने हैं चैप्टर नाइन इस चैप्टर के ऊपर तो मैंने फोर्टी मिनट्स की वन शॉट वीडियो बनाई है पेपर से एक दिन पहले उसको जरूर रिवाइज़ करें इसके अंदर हाइजेन प्रिंसिपल के जो दो छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं वो आपको आने चाहिए कोहेरेंट सोर्सेज क्या होनी चाहिए डेफिनेशन उसकी आनी चाहिए यंग्स डबल स्प्लिट डबल स्लेट एक्सपेरिमेंट ये लार्ज क्वेश्चन पिछले दस सालों में कम से कम आठ दफ़ा तो आया हुआ है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म ये स्मॉल में तकरीबन पिछले दस सालों में छः बार है मिचलसन इंटरफेरोमीटर सिर्फ अपनी तस्वीर मुश्किल होने की वजह से लोग नहीं देते लेकिन इसके कॉन्सेप्ट के प्रिंसिपल क्या है वो ज़रूर पूछ लेते हैं ब्रैक्स लॉ की डेरिवेशन भी दी जा सकती है और इसके नुमेरिकल आएंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट और इट्स की एप्लीकेशन एंड ब्रूस्टर्स लॉ ये भी चांसेस हैं कि लाजमी आएंगे क्योंकि बहुत सारे सिर्फ मैंने नहीं बहुत सारे सारी ने दिए हैं इसकी असाइनमेंट नंबर सिर्फ कर लें आप नाइन पॉइंट वन जबकि नोमेकल टू थ्री सिक्स सेवन एट तो करें ही करें फोर इसका बड़ा डिफरेंट किस्म का है उसको आपने स्किप नहीं करना चैप्टर नंबर टेन थर्मो डायनामिक्स ये आपका आखिरी चैप्टर है और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके नीचे जो सब पार्ट्स हैं आईसो पैरे का आईसो आइसो थर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस इसमें कोई ना कोई एक प्रोसेस लिखने को आपके दे दिया जाएगा और उसी से मुतलका नूमेिकल भी दे दिया जाएगा कार्नोट साइकिल आपको आना चाहिए और उसकी ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अक्सर ग्राफ छोटा सा दे देते दे हैं और कहते हैं बताएँ क्या एंट्रोपी स्मॉल में आएगी ये क्वेश्चन लाजमी आएगा मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस विद सी पी सी वी एंड दे रिलेशनशिप ये तकरीबन बीस पच्चीस ऐसे कॉलेजे हैं जिनसे पेपर सेट होकर गया और मैंने देखा उसमें यह क्वेश्चन मौजूद है असाइनमेंट टेन पॉइंट वन टन पॉइंट टू टेन पॉइंट थ्री इसकी सारी ही करने टोटल तीन तो असाइनमेंट्स हैं और नुमेकस टू फोर फाइव सेवन नाइन टेन करना है एम सी क्यू सारे करने हैं मैं नीचे सबको लिंक्स भी दे रहा हूँ नुमेरकल असाइनमेंट्स और एम सी क्यूस के एनिमेटेड जिंदगी में एक बार देखेंगे इंशाल्लाह भूलेंगे नहीं लाइक like करने की जहमत बिल्कुल ना करें सिर्फ ये कहूंगा कि अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करें ताकि दूसरों का भी फायदा हो अल्लाह करे आप सब बहुत अच्छे मार्क्स लें एंड हैव अ ब्राइट फ्यूचर स्टडी विद मी लर्निंग एक्सपीरियंस